जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कई घर ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर झगड़ा चलता रहता है, या फिर कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ता रहता है, या फिर उस घर के सदस्य काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर बरकत नहीं होती है। तो इस संगम में हम देखेंगे कि इसका प्रमुख कारण क्या है और इसके क्या क्या उपाय हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत का देव निरंजन। दोस्तों, अगर घर के अंदर कोई सा बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। घर के सदस्यों के अंदर आपस में कलह बनी रहती है, या फिर कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, या फिर किसी व्यक्ति को लंबी बीमारी होती है और रुपया पैसा और वक्त की बर्बादी अस्पताल में ही हो जाती है, या फिर घर के सदस्य काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर बरकत नहीं होती है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। अब वास्तु दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है, हम इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, वैसे तो वास्तु दोष के कई कारण होते हैं लेकिन उसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो हम इस वाले अंक में देखेंगे। दोस्तों, वास्तु दोष का सबसे पहला कारण ये होता है कि आपका घर का जो मुख्य द्वार है उसके ठीक सामने अगर बिजली का खंभा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पोल लगा हुआ है, जहाँ पर सभी घरों की जो बिजली की जो लाइन है वो वहाँ पे आके कनेक्ट होती है, तो उसके कारण से आपके घर के ठीक सामने राहु प्रबल हो जाता है और उसके कारण राहु जन्य समस्याएं उत्पन्न करता है। जैसे परिवार के अंदर वाद विवाद होने लग जाते हैं, या फिर कोई बीमार रहने लग जाता है, या फिर किसी को बुरी लत लग जाती है, या फिर बरकत नहीं होती है, तो ये सभी राहु के कारण होता है। और इसके अलावा दोस्तों, बिजली का जो खंभा होता है या फिर जो चैम्बर होता है उसके कारण भी राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो बिजली होती है, जो करंट होता है, वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब करंट प्रवाहित होता है तो उसको उत्पन्न करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड अगर बनता है तो वहाँ पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। तो जहाँ पर भी बिजली का खंभा अगर घर के सामने लगा हुआ है तो वहाँ पर राहु का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ जाएगा और उस घर के सदस्यों को परेशानी अवश्य देगा। दोस्तों, इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, वो ये है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक चुंबक की भांति कार्य करती है। इसके दो ध्रुव हैं, अगर किसी ने साइंस पढ़ा होगा तो वो अच्छे से जानता होगा कि एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो ऊर्जा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होता है। इस कारण से जो अच्छी जो ऊर्जा होती है वो उत्तर दिशा से चलती है और दक्षिण दिशा की ओर आती है। तो अगर किसी के घर का मुख अगर दक्षिण दिशा में है तो उसने, आप ये समझ लीजिए कि उत्तर दिशा को ब्लॉक कर दिया है, तो अच्छी जो ऊर्जा आती है वहाँ से वो ब्लॉक हो जाएगी और जो बुरी ऊर्जा जो है उसका वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कारण से अगर दक्षिण की ओर मुख होता है तो वो काफ़ी दिक्कत दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर के सामने अगर इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, या फिर आपके घर के सामने चैम्बर बना हुआ है, या फिर आपका घर दक्षिण दिशा की ओर है, तो इसके उपाय के लिए क्या करना चाहिए, अब हम ये देखते हैं। दोस्तों, इसके उपाय में सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने घर में एक फ़िश एक्वेरियम रखें। फ़िश एक्वेरियम हमेशा उत्तर दिशा की ओर या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस पर हमने पूर्व में भी एक एपिसोड बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। फ़िश एक्वेरियम में आप विषम संख्या में कितनी भी मछली डाल सकते हैं। अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि उसमें 8 गोल्ड फिश होना चाहिए, 1 ब्लैक फिश होना चाहिए, लेकिन विषम संख्या में आप कितनी भी मछलियाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों की ये शिकायत होती है कि फ़िश एक्वेरियम में मछलियाँ मर जाती है। तो दोस्तों, अगर मछलियाँ मर जाती है तो आप उनको बदल दीजिए और नई मछली उसमें डाल दीजिए। एक समय तक ही मछली मरेगी, उसके बाद में मछलियों का मरना बंद हो जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने घर में फिश एक्वेरियम रखें। दोस्तों, इसका दूसरा उपाय ये है कि घोड़े की नाल आप आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर यू आकार में लगाएं। अब इसके अंदर क्या दिक्कत आती है दोस्तों, कि जो घोड़े की नाल होती है वो आप बाजार से खरीद के लाते हैं लेकिन वो उतना काम नहीं करती है, क्योंकि जो घोड़े की नाल ऑटोमेटिकली उसके पैर से गिरती है,
वही आपको इस काम में मदद कर सकती है। तो अगर आपको कहीं जमीन पे पड़ी हुई, कहीं सड़क पे पड़ी हुई अगर घोड़े की नाल मिल जाती है तो आप उसको लाइए, विधि विधान से आप उसका पूजन करिए और शनिवार के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर उसको यू आकार में लगाइए। दोस्तों घोड़े की नाल शनि का प्रतीक मानी जाती है और जो यू आकार है वो केतु का प्रतीक माना जाता है। तो शनि और केतु वहाँ पर राहु को ब्लॉक कर देते हैं और राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको घर के बाहर ही रोक देते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और उपाय ये है कि आप काली हल्दी को सिंदूर के साथ काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। इसके कारण भी केतु प्रबल हो जाता है और बृहस्पति प्रबल हो जाता है जो राहु के बुरी एनर्जी को घर के बाहर ही रोक सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक उपाय ये है कि आप आपके घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की बैठी हुई फोटो लगा सकते हैं या प्रतिमा रख सकते हैं या फिर पंचमुखी गणेश जी की प्रतिमा रख सकते हैं। हनुमान जी मंगल का प्रतीक माना जाता है और गणेश जी को भी केतु का प्रतीक माना जाता है। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपका केतु बलवान होता है और राहु भी आपको पीड़ित नहीं करता है। इसके अलावा आप दत्त भगवान की फ़ोटो भी वहाँ पर लगा सकते हैं। दत्त भगवान जो हैं वो गुरु का प्रतीक माने जाते हैं, तो ये अगर आप वहाँ पर हनुमान जी की या फिर पंचमुखी गणेश जी की या फिर दत्त महाराज की अगर फोटो लगाते हैं तो उसके कारण भी राहु के जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर में प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों इसके अलावा दो प्रकार के पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप घर के ठीक बाहर रख देंगे तो उससे भी राहु के जो साइड इफेक्ट हैं वो घर पर प्रभावी नहीं होंगे। उसमें से पहला पौधा है तुलसी का पौधा। अगर आप घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर तुलसी का पौधा रखते हैं तो उसके कारण भी राहु जो है वो निर्बल हो जाता है। या फिर आप शमी का पौधा घर के बाहर दाहिने हाथ की ओर रखते हैं, उसके कारण भी राहु अपने बुरे प्रभाव घर पर नहीं देता है। दोस्तों इसके अलावा एक उपाय ये भी है कि जो कोड़ियाँ होती है आप उनकी वंदरवाल अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाइए और हर 3 महीने में या 4 महीने में उसकी साफ़ सफाई कीजिए। जो कोड़ियाँ होती है वो विष्णु जी का प्रतीक मानी जाती है और लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है, तो वो भी काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा को ब्लॉक कर देती है और घर में प्रवेश नहीं करने देती है। इसके अलावा आप अपने घर के ऊपर हनुमान जी का एक ध्वज अवश्य लगाइए। ध्वज जो होता है वो केतु का प्रतीक होता है और राहु की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको ब्लॉक कर देता है। आपने देखा होगा कि कई लोग घर बनाते समय उल्टी मटकी उसके ऊपर रख देते हैं, घर को घरों की छत पर रख देते हैं, तो जो उल्टी मटकी होती है वो भी केतु का प्रतीक होती है जो कि राहु को के जो बुरे प्रभाव होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है। हो सकता है कि कई लोगों के घर के सामने बिजली का खंभा हो या फिर चैम्बर बना हुआ तो उनको इस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता होगा। उसका कारण यह है कि उनके खुद के ग्रह काफ़ी बलशाली होते हैं, उनका मंगल पावरफुल होता है या फिर उनका गुरु पावरफुल होता है, तो इस प्रकार की समस्या उनके सामने नहीं आती है। लेकिन ये अधिकतर देखी गई है कि अगर घर के सामने अगर इलेक्ट्रॉनिक पोल लगा हुआ है या चैम्बर है या फिर घर का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है तो आपको दिक्कत आएगी ही। दोस्तों ज्योतिष एक प्रकार का विज्ञान है, कई लोग इसको अंधविश्वास मान लेते हैं, तो उनके मानने ना मानने से ग्रहों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रह तो अपना असर देते ही हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी ने नया मकान लिया है उसके बाद से उसके घर में दिक्कतें होना चालू हो गई है, तो निश्चित जान लीजिए कि उसके घर के ठीक सामने जो है 15 फीट के अंदर कहीं ना कहीं बिजली का खंभा निश्चित रूप से होगा या फिर म्यूनसिपैलिटी का चैम्बर बना हुआ होगा। इसके कारण से उसके घर में दिक्कत प्रारंभ हो जाती है और सबसे पहली दिक्कत जो आती है वो आती है घर के मुखिया को। तो ये सारी चीज़ें ग्रहों के प्रभाव के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों राहु को आप मंगल द्वारा रोक सकते हैं, बृहस्पति द्वारा रोक सकते हैं, इसके अलावा केतु द्वारा भी राहु रोक सकता है और शनि द्वारा भी राहु कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था घर के वास्तु दोष का एक सामान्य सा विश्लेषण कि अगर घर के सामने अगर बिजली का खंभा है या फिर चैम्बर बना हुआ है या फिर दक्षिण दिशा की ओर अगर उसका मुख है तो उसके कारण से घर के अंदर जो झगड़े होते हैं, जो बीमारियां होती है या किसी को बुरी लत लग जाती है, तो उसका कारण क्या है और उसके उपाय क्या क्या हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।